क्षेत्र के चंद्रनगर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में राजनगर LTM VP द्विवेदी द्वारा तत्काल प्रभाव से नायब तहसीलदार को आदेश दिए गए। मौके पर RI पटवारी जांच करें। जांच में पाया गया भूमाफिया द्वारा कई वर्षों से शासकीय भूमि खेल मैदान में खेती करके लाभ उठा रहे थे। जानकारी के मुताबिक पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय जागरूक लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते भूमाफिया शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए बैठे थे। मामला उजागर होने के बाद एक बार फिर भूमाफियाओं के शिकंजे से बच्चों के खेलने के लिए मैदान को मुक्त करा लिया गया है। राजनगर प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र भर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लालचंद, मध्य प्रदेश। मेरा नाम PC खरे। अच्छा, प्रिंसिपल हैं आप? हाँ, मैं प्रभारी प्रिंसिपल। अच्छा, आपके माध्यम से एक शिकायती पत्र भेजा गया था LTM सर को? हाँ, भेजा गया था। हाँ, क्या कार्रवाई हुई इसमें? कल पूरी टीम राजस्व विभाग की आई थी, जिसमें तहसीलदार मैडम भी थी और RI थे, दो तीन लोग पटवारी थे कई हल्कों के, तो उनके द्वारा पूरी नाप की गई और सीमांकन करके भूमि हमें पंचनामा सौंपा गया है। अच्छा, और उनसे उनने ये भी कहा था कि आपकी हमने सीमा निर्धारित कर ली है, आप अपने सीमा निर्धारित करें, खम्भे लगवाएं, तो हम गड्ढे करवा के खम्भे लगवाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसी जानकारी पहले भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया था? हाँ, पहले 20 साल पहले जब सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, तब मैं ही आया था यहाँ सीमांकन कराने, और राय साहब मेरे साथ में व्याख्याता है, वो आए थे, हम दोनों आए थे, तो इस जमीन का सीमांकन हुआ था। उसके बाद में किसी प्राचार्य ने इस जमीन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो अब क्या ध्यान और दिया ये संबंधी जन जो कब्जा किए थे लगातार इस पर 20 साल से खेती करते रहे। अच्छा, तो अब आप लोग किस अब हम इसका पूरा पिलर चारों तरफ से इसको बंद करा रहे हैं और प्ले ग्राउंड के में इसको डेवलप कर रहे हैं। खेल परिसर के नाम से ये दर्ज है, तो यहाँ ग्राउंड पिच बनवा के बच्चों के खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। कितनी जमीन है सर ये जमीन? 4.5 एकड़ से कुछ ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 5.25 करीब। कौन लोग किए थे सर कब्जा इसमें? गुप्ता परिवार, एक जन भरत गुप्ता है, स्वर्गीय भरत गुप्ता, उनके परिवार के लोग कब्जा किए थे, तो उनसे मुक्त कराया गया है। कल वो भी लोग खड़े थे, उनने भी देखा, उनके सामने ही पूरे नाप हुई।